उस राम कथा में क्या प्रसंग है, वर्तमान में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, राम कथा के दौरान किस पात्र ने किस प्रकार का क्रम किया और उस क्रम के बदले उसको किस प्रकार का फल मिला, हमारे मनोविचार सिर्फ उस बात के इर्द गिर्द केंद्रित होंगे, तभी हमें इस राम कथा का और इस महायज्ञ का कोई सुफल प्राप्त होने के योग बन पाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से 9 दिवस में स्वच्छ मनोदशा के साथ सिर्फ और सिर्फ राम कथा में अपना मन लगाकर उसका श्रवण करेंगे, बाकी विचारों को अपने मन मस्तिष्क तक आने की अनुमति नहीं देंगे। और जब हम ये कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस महायज्ञ और राम कथा का जो विश्व कल्याण का मानस है, उद्देश्य है, उस मानस और उद्देश्य की प्राप्ति में हम कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मैं शुद्ध मन और आत्मा से आप सबका सानिध्य इस महायज्ञ और राम कथा में मिलेगा, ऐसी उम्मीद और शुभकामनाएं करता हूं। और इस महायज्ञ और राम कथा के माध्यम से समाज में, गांव में, क्षेत्र में, प्रदेश में, राष्ट्र में, विश्व में जिस प्रकार की अराजकता की स्थितियां बनी हुई उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार कर पाने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सभी संतों के चरणों में नमन, आप सभी कहता हुए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।